जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त सब खैरियत होंगे। दोस्तों वेलकम करता हूँ आज की न्यू वीडियो में। दोस्तों अगर आप में से किसी भी दोस्त ने कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स में अप्लाई किया हुआ है तो आपने इस वीडियो को जरूर कम्प्लीट देखना है। इसकी कुछ न्यू अपडेट आई है जो कि आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी दोस्तों को मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, सर हमने इसमें अप्लाई किया है लेकिन स्टिल अभी तक जो ना इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हमारी एप्लीकेशन का कोई समझ नहीं आ रही कि हमारा यहाँ पर अप्लाई हुआ भी है या नहीं। तो आपके इसके मुतालिक यहाँ पर डिटेल से गाइड करूँगा कि आपकी एप्लीकेशन क्या बना है, रिजेक्ट हुई है या आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है। तो वीडियो को ध्यान से कंप्लीट देखिए ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसके ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली इस चैनल पर मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों पहले ही मैंने आपके साथ काफ़ी इसके बारे में यहाँ पर अपडेट शेयर की थी कि आप टाइगर फोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके सैलरी वगैरह क्या है। तो इसके मतलब यहाँ पर काफ़ी मैंने डिफरेंट वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में गाइड किया था। इसकी जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो थी 10 अप्रैल, 10 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते थे। उसके बाद दोबारा से इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान की तरफ से। इसकी जो लास्ट डेट थी वो फाइनल की गई थी 15 अप्रैल, ठीक है। 10 अप्रैल के बाद इसकी फाइनल डेट 15 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते थे। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो गुजर चुकी है, अब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और जिन दोस्तों ने इसमें अप्लाई किया हुआ है उनकी एप्लीकेशन का क्या बना है, उसके लिए आपने करना यह है कि हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपने सिंपल करना यह है कि आपने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल ऐप को ओपन कर लेना है जिसके थ्रू आपने यहाँ पर अप्लाई किया था। ओपन करने के बाद नीचे आपको एक बटन मिलता है प्लस का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है बिकेम आ कोरोना रिलीफ टाइगर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि आपको एक एरर आ रहा है कि द सिस्टम इज़ अंडर नेसेसरी मेंटेनेंस, प्लीज़ ट्रायल लेटर, ठीक है। तो ये एरर गाइज आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी इस एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया गया। जैसे ही इस सिस्टम को अपडेट किया जाएगा तो आप यहाँ पर आके ईजिली अपनी एप्लीकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो अभी तमाम लोगों की एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसेस हो रहा है, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बाय मैसेज भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आप इस पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल में भी आके अपनी एप्लीकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिस वजह से काफ़ी लोग परेशान थे कि हमारी एप्लीकेशन का क्या बना है, अप्लाई हुआ भी है या नहीं। तो दोस्तों जैसे ही इस सिस्टम को अपडेट किया जाएगा तो आप इजिली आके यहाँ पर अपनी दरख्वास्त को ट्रेस कर सकते हैं। सो आई होप कि गाइज आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको कोई मजीद यहाँ पर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इंशाल्लाह आपको मैं लास्ट में गाइड कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर दोस्त तक की इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और जो दोस्त न्यू है इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन में जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की वीडियो डेली आप तक पहुँचते रहे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।